हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल केशवानी। हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की, जहां पीड़ित लोगों की मदद करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया और उसे जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन क्या किसी की मदद करना गुनाह है या जनहित के लिए काम करना अपराध है? आखिर क्यों भेजा गया अजय यादव को जेल? आज होगा छत्तीसगढ़ में हल्ला बोल। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पीड़ितों की मदद करना एक युवक को महंगा पड़ गया और उसे जेल जाना पड़ा। वहीं कथित बीजेपी नेता के भाई पर युवक को झूठा फंसाने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है, बलरामपुर में खनन माफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों की आवाज को अजय यादव ने बुलंद किया था और माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खुला था। इसी बीच एक मामले में अजय यादव की गिरफ्तारी हुई, जिसका विरोध यादव समाज ने किया और अजय की गिरफ्तारी को षड्यंत्र बताया। इसी सत्य या फिर साजिश पर पेश है आज का हल्ला बोल। अजय यादव जी हैं, जिनको कि फंसाया गया है ब्राउन शुगर के मामले में। हम लोग आए हैं प्रशासन से, बलरामपुर प्रशासन से और छत्तीसगढ़ प्रशासन से ये निवेदन करने, आग्रह करने, आंदोलन मतलब कि जल्द से जल्द उनको बेल दिया जाए और विवेचना सही तरीके से हो। अजय यादव आज तक ब्राउन शुगर देखा नहीं है, उसकी गाड़ी में कब रखी, कैसे फंसाया गया षड्यंत्र पूर्वक, ये बड़े लोगों जो वहाँ गिट्टी के थ्रेसर के ठेकेदार हैं उनकी और पुलिस वालों की मिली भगत से उस अजय यादव को शिकार बनाया गया, उसको फंसाया गया, क्योंकि वो वहाँ जन आंदोलन चला रहा था, लोगों का न्याय की लड़ाई लड़ रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था, उसकी विरोध कर रहा था, दिन दहाड़े बारूद और ब्लास्टिंग हो रही थी, लोग त्राहिमाम हो गए थे, उसकी लड़ाई लड़ रहा था, उसको दबाने के लिए लोगों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया, बहुत बड़ी रिश्वत रकम लेकर लोगों ने फंसाया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर पीड़ितों की मदद करना अजय यादव को महंगा पड़ गया, उसे ब्राउन शुगर के मामले में जेल भेज दिया गया है। यहां यादव समाज भी उसके समर्थन में आ गया है, अजय यादव को रिहा करने की अपील कर रहा है यादव समाज, जिसको लेकर तमाम यादव समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। अजय यादव पर ड्रग सप्लाई का मामला लगाया गया है, आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन आखिर अजय यादव का गुनाह क्या था जिसको लेकर उसे जेल भेजा गया? क्योंकि जिस तरह से अजय का परिचय दिया जा रहा है और जिस तरह से लोग वहां के बोल रहे हैं कि अजय इस तरह से नहीं कर सकता था, उसने ब्राउन शुगर कभी देखा भी नहीं, उसकी गाड़ी में कैसे मिल सकता था, और अगर ये सारी चीजें हुई हैं, वो भी उसके बाद जब वो आंदोलन कर रहा था, जन आंदोलन कर रहा था गिट्टी के क्रशर के ठेकेदारों के विरुद्ध, उसके बाद जब ये कार्रवाई हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ तो काला है। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे, हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह हमारे साथ यहाँ बलरामपुर से मौजूद हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से बताया जा रहा है अजय यादव के बारे में, उसके बाद अगर हम बात करें जो ठेकेदार है उनके बारे में भी परिचय जानेंगे, किस तरह की शख्सियत है वो, क्योंकि आरोप तमाम जिस तरह से लग रहे हैं उन्होंने ही फंसाया है, क्या कहेंगे? राजपुर का है, अजय यादव के बारे में बता दूं, अजय यादव बैरी गांव के रहने वाले निवासी है। ये घटना एक 6 मार्च को ये बलरामपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस गए थे बाइक से, उसी दौरान पुलिस की कोई चेकिंग चल रही थी, चेकिंग के दौरान उनके बाइक से एक ब्राउन शुगर की करीब 900 ग्राम की पुड़िया मिली थी, जिसके तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब यादव समाज का कहना है कि अजय यादव चूंकि बैरी गांव में जो भी सामाजिक जो भी आदिवासी हैं, गरीब हैं, उनके हक की लड़ाई के आगे आते हैं, इस कारण को कहीं ना कहीं इसके पहले भी हटाया गया था। विनोद अग्रवाल मग्गू जिसके ऊपर आरोप लगा है, जो आरोपी है जिनके खिलाफ FIR भी हुआ था, वो राजपुर के निवासी हैं और उन्होंने घर में घुस के, एक आदिवासी महिला घर में घुस के मारपीट की थी, तोड़फोड़ किया था, उनके चूल्हे पर साफ कर दिया था। वो महिला जब FIR लिखाने लोकल राजपुर थाने में गई तो थाने वाले उसको समझाइश देकर वापस कर दिए कंप्रोमाइज के नाम से, FIR उसके नोट दर्ज नहीं हो रही। अजय यादव जब आगे आए FIR दर्ज कराने के लिए, उनकी पहल से FIR को दर्ज हुई
लेकिन वही सब खुन्नस को लेके विनोद अग्रवाल ने उनको कहीं न कहीं मुझ फंसा दिया, जैसे यादव समाज के कहना है। फॉर्म जिस तरह से शैलेंद्र बाप ने कहा कि विनोद अग्रवाल ने पहले भी इस तरह का काम किया है, एक आदिवासी महिला के साथ मारपीट की, जिसकी कंप्लेन कहीं ना कहीं अजय यादव की वजह से दर्ज करवाई गई, और दूसरी तरफ हम बात करें तो अजय यादव ने जन आंदोलन चलाया था, जो गिट्टी के क्रैशर होते हैं उनकी वजह से लोग परेशान थे, उसको लेकर अजय ने जन आंदोलन चलाया था, और उसके बाद अजय के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि वो स्मगलर है या फिर ब्राउन शुगर उसकी गाड़ी में मिला, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है, कुछ तो दाल में काला है जो पुलिस प्रशासन नहीं समझ पा रहा है, या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को सभी कुछ बात पता है और वो अनजान बन रहे हैं। मुद्दे की जड़ जो है वो गिट्टी क्रशर है और अवैध ब्लास्टिंग है। अवैध ब्लास्टिंग बैड़ी दो चार गांव वहाँ पे हैं जो जोरों से चल रही है, कोई लीच कोई पट्टा नहीं कहीं भी फोड़ दे रहे, जिससे गांव वाले काफी परेशान है। जिस महिला के साथ मारपीट की गई थी उसके घर में घुसा गया था, उसकी भी जमीन उन्होंने लीज पे ली थी 5 साल के लिए, महिला के मना करने के बाद उन्होंने ब्लास्टिंग शुरू कर दिया था, सिलसिले में मारपीट घर में घुसे जाकर किए थे। अजय यादव ही आगे आके रिपोर्ट लिखाना करता था। शैलेंद्र इस वक्त आप हमारे साथ बने रहिए, विक्रमादित्य सिंह जुदीव प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। विक्रमादित्य सिंह जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। यहाँ पर जिस तरह से अजय ने जन आंदोलन किया था गिट्टी क्रशर को लेकर, गाँव वालों के लिए आगे आया था, आखिर उसे जेल क्यों भेजा गया? लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। एक बार फिर से शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। शैलेंद्र क्या लगता है जिस तरह से अजय को फंसाया गया है, या वाकई ऐसा कुछ, अगर अजय की हम बात करें, लगता है हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से भी टूट गया है, लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम लोगों से आज होंगे सवालात, क्योंकि बात अजय यादव की है जिसको लेकर यादव समाज इकट्ठा हुआ है, रोडों पर उतर आया है, और अब ये आवाज लगाई जा रही है कि अजय यादव को रिहा किया जाए क्योंकि अजय यादव बेकसूर है। लोगों का कहना है कि उसने जनता के हित में लड़ाई लड़ने की कोशिश की थी जिसको लेकर उसे जेल भेज दिया गया, पुलिस की साठगांठ पर आरोप लगाया जा रहा है। यादव समाज के लोगों का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं साठगांठ दिखाई दे रही है। विक्रमादित्य सिंह जुदेव प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। जुदेव साहब बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में आपका। जी नमस्कार। अजय यादव के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, कहीं से वो स्मगलर है? क्योंकि जिस तरह से आंदोलन किया है उसने जनहित के लिए, उससे पहले भी अगर हम विनोद अग्रवाल की बात करें तो एक महिला के साथ उन्होंने अत्याचार किया था, उसके साथ मारपीट की थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अजय यादव ही आगे आए थे, उसकी वजह से कंप्लेन हुई थी। क्या लगता है किस तरह का, अगर हम शख्सियत के बारे में बात करें तो क्या अजय यादव ऐसा कुछ कर सकता है? देखिए ये जनता की आवाज है और जनता की बलरामपुर जिले वासियों का के साथ हूं मैं, और उनकी आवाज है कि उनको फंसाया गया है, उनके साथ षड्यंत्र किया गया है और ऐसा वो नहीं कर सकते और ऐसी तासीर नहीं हो उनमें, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिला प्रशासन सहयोग करे और जल्दी से जल्दी विवेचना करे और विवेचना में किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो, ताकि इस परिवार के सदस्यों को राहत मिले, उनको जल्द से जल्द बेल मिले। देव साहब और क्या लगता है आपको, अजय यादव को गिरफ्तार किया गया है, तमाम आरोप लगाए गए हैं, और अगर दूसरी तरफ विनोद अग्रवाल को हम देखें तो क्या लगता है, विनोद अग्रवाल के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं और गिट्टी क्रशर को लेकर जब जन आंदोलन किया अजय यादव ने, तो कहीं ना कहीं आप, या तो फिर आप इसको दुश्मनी कहा जाए जिसको लेकर उन्होंने इस पर इस तरह से आरोप लगाए हैं, या फिर क्योंकि पुलिस प्रशासन तो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, ऐसा तो लग ही नहीं रहा। अब ये तो विवेचना के ऊपर है, न्याय पर पूरा भरोसा है, और जहां तक अजय यादव के परिवार की बात है वो बहुत ही परेशान है और उन्होंने इस सदमे में बच्चों ने परीक्षा नहीं दी है और भूख बहुत दिनों से इन लोगों ने खाना छोड़ दिया घर वालों ने, और बहुत ही इनके परिवार की दयनीय स्थिति है। मैं बोलता हूं कि विवेचना हो और कोई अच्छे अधिकारी से इसकी विवेचना की जाए और इस पर निष्पक्ष विवेचना की जाए, जिला प्रशासन को इस पर खिलाने का आरोप लगाया करना चाहिए।
विनोद अग्रवाल पर पैसे खिलाने का आरोप लगाया गया है कि उसने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को पैसे खिलाए हैं ताकि अजय यादव को गिरफ्तार किया जा सके, क्या सही है? ये मैं नहीं जानता किसने क्या दिया क्या लिया। मैं विनोद अग्रवाल के बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरह की शख्सियत है? मैं उनको नहीं जानता और यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ जिला प्रशासन को, बलरामपुर को, कि वो सहयोग करें और इस पर निष्पक्ष रूप से विवेचना हो और न्याय पर पूरा भरोसा है। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। यहाँ हमारे साथ विक्रमादित्य सिंह जुदेव, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। जुदेव साहब ने कहा कि सही तरीके से विवेचना होनी चाहिए, सही तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि अजय यादव की अगर हम शख्सियत के बारे में बात करें तो वो ऐसे नहीं है जिस तरह से उनका कहना था। और ब्राउन शुगर, अभी भी वहां के लोगों ने कहा कि ब्राउन शुगर का आरोप उनके ऊपर है, ब्राउन शुगर की स्मगलिंग का आरोप उनके ऊपर है जिसको लेकर गिरफ्तारी हुई है। तो क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि वहां के लोगों का साफ कहना है कि अजय यादव ऐसा नहीं कर सकते। यादव समाज इकट्ठा हो चुका है अजय यादव की गिरफ्तारी को लेकर, लोग चाहते हैं कि अजय यादव को बाहर निकाला जाए, रिहा किया जाए, क्योंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते थे अजय यादव, जनता के लिए आंदोलन करते थे, लोगों की मदद करते थे और यादव समाज इकट्ठा हो चुका है। अजय यादव को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, गुहार लगाई जा रही है कि अजय यादव को रिहा किया जाए। अगर अजय यादव के परिवार वालों के बारे में हम बात करें तो दोनों बच्चे परीक्षा में नहीं बैठे सदमे के चलते, परिवार सदमे के चलते दुखी है। ऐसी स्थिति में जब प्रशासन की बात करें तो प्रशासन इस पर अभी भी जांच पड़ताल कर रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो अजय यादव जो जनता के मुद्दों के लिए काम करते हैं, और ये तमाम चीजें तब हुई हैं जब अजय ने जन आंदोलन किया, गिट्टी के क्रैशर के ठेकेदारों पर कहीं ना कहीं विरोध किया। अजय के पिता रामदास यादव हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रामदास जी सुन पा रहे मैं रामदास यादव बोल रहा हूँ, ग्राम बेही से। अजय यादव आपके पुत्र हैं जिनके लिए यादव समाज इकट्ठा हुआ है। जी 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 जी, क्या कहेंगे आपके बेटे के बारे में, आरोप लगा हुआ है उन पर ब्राउन शुगर स्मगलिंग करने का? जी सर, थोड़ा सा मेरे को भी बात करने दीजिए। तो जी सर, मैं ग्राम पंचायत बेही से बोल रहा हूँ कि रामदास यादव मेरे बेटे के ऊपर जो झूठे अजय यादव के ऊपर जो झूठा आरोप लगा है मेरे बेटे के ऊपर वो फर्जी है। वो मतलब ये सब क्रेशर समंग जो उद्योगपति है उनसे पुलिस से मिल करके उन्होंने सारी सब के मेरे बेटे को फंसाया है, क्योंकि हमारा लेकिन क्यों रामदास जी क्यों, क्या कोई दुश्मनी थी आपकी, पुरानी कोई रंजिश थी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी, ये था कि मेरे जनता के प्रति मेरा बेटा आवाज उठाता था, कोई भी गलत काम होता था तो उसमें उनके साथ देता था, इसलिए जो उद्योगपति है वो उसके ऊपर कुछ रिकवरी भी आ चुका है अवैध उत्खनन का, ये सब लेकर के उन्होंने बेटे को फंसाया है। और बहुत अत्याचारी सेठ है विनोद उर्फ मधु अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, इन जो पति हैं ये पुलिस से मिलकर मेरे बेटे को फर्जी में ब्राउन शुगर का मामला में फंसा के है, क्योंकि कई एक बार मेरे बेटे ने आवेदन ही लगाया है, करीब 7 आवेदन। रामदास जी, क्या कभी आपके बेटे ने कोई गलत काम किया, कोई ऐसा काम किया जो कानून के विरुद्ध था, कभी ऐसा कोई काम किया? कोई काम नहीं किया है सर, जनता के आंदोलन के लिए काम किया, जनता के लिए, जनहित के लिए लड़ाई लड़ी, जिस तरह से हमारे पास अभी खबर है गिट्टी के क्रैशर के लिए लोग परेशान थे वहाँ के, जिसको लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी, सही है? तीन गाँव बैगी घोरगड़ी लाव की जनता जो प्रास्त है उनके जगह जमीन पूरे 10 जम जाते थे, खेती बाड़ी बर्बाद हो जाते थे, इसी को आवाज लेकर के उन्होंने जब भी लड़ाई लड़ी रामदास जी, सिर्फ जनता के लिए ही आवाज उठाई, कभी अगर कोई महिला परेशान हुई है तो उसके लिए भी वो लड़ने पहुंचे, यही इसी तरह का परिचय अगर हम देना चाहें तो अजय यादव इसी किस्म के इंसान है। जी जी, वो आदिवासी मनोश्री प्रवीण उर्फ
रामदास जी, आप यहाँ के रहवासी हैं, विनोद अग्रवाल के बारे में क्या कहेंगे, उनके बारे में किस तरह की जानकारी है आपके पास, क्योंकि आप वहीं के रहवासी हैं, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। जरूर जानते हैं कि वो फंजी आदमी है, मैं सब कुछ सताने वाला आदमी है, वो जनता से त्रास्त है, मतलब पैसे के बल में मैं जनताओं को परेशान करता है, इसलिए आप जनता उसे त्रस्त है। असी उनका आवाज उठाया, असी एक अजय यादव ही था, वो गरीबों का मसीहा था, उसे बहुत लोग चाहते थे, उनका साथ देता था। प्रशासन के पास ये सारी खबर आई है, खबर पहुंच चुकी है, पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है क्या, पुलिस के किसी अधिकारी ने आपसे मिलने की कोशिश की क्या, जानने की कोशिश की, क्योंकि यादव समाज जिस तरह से इकट्ठा हुआ है, ये आंदोलन बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। जी पुलिस की तरफ से मतलब धमकी तो मिलता है कि जो पुलिस की तरफ से आपको धमकी मिलती है कि ऐसा आंदोलन किस तरह की धमकी, रामदास जी किस तरह की धमकी देते हैं पुलिस अधिकारी आपको? बलराम को पुलिस धमकी देती है कि इस तरह के आंदोलन क्यों कर रहे हो, क्या बात है, क्या कारण से कर रहे हो ऐसा धमकी, अगर तो क्या किसी का नाम बता सकते हैं आप? नाम तो मुझे पता नहीं है, नाम में सर वो क्या कहते हैं कि अभी आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में लाइव, जनता आपको सुन रही है, प्रशासनिक अधिकारी भी आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अजय यादव के बारे में, क्या कहना चाहेंगे वहां पर बैठे प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में, जिन्होंने कहीं ना कहीं दूसरों के साथ साठगांठ करके आपके बेटे को जिस तरह से गिरफ्तार करवाया है एक झूठे आरोप में, जिस तरह से आप कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? झूठा आरोप है और इसे फंसाया ही क्या है, मतलब जो उद्योगपतियों द्वारा वे क्या कहते हैं कि ये पुलिस से मिल करके मेरे बेटे को फंसा गया है, इसमें साजिश सर 100% फंसाया गया है, मतलब किसी से भी, मतलब तीन पंचायत है, तीन पंचायत को। बहुत शुक्रिया रामदास जी, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। अजय यादव के पिता रामदास हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए थे, उन्होंने साफ कहा कि उनका बेटा ऐसा नहीं है, उसके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं, फंसाने की कोशिश की गई है, और जिस तरह से अजय यादव का परिचय उनके पिता ने दिया, वो जनता के हित में लड़ने वाले व्यक्ति हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और वहां पर गिट्टी क्रशर की वजह से अवैध तरीके से वहां पर उत्खनन होता था, जिसको लेकर वहां की जनता परेशान थी, और अब जब उन्होंने उसके लिए आंदोलन उठाया तो उन्हें स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया गया। कितनी सच्चाई है इस आरोप में, कितनी सच्चाई है इस बात में कि अजय यादव की गाड़ी में ब्राउन शुगर मिला है, इसको लेकर कार्रवाई कितनी हो रही है, इसका कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि यादव समाज इकट्ठा हो चुका है वहां पर, और यादव समाज का साफ कहना है कि अच्छी तरह से जांच की जाए, किसी बड़े अधिकारी को बुलाकर जांच करवाई जाए, क्योंकि जिस तरह से विनोद अग्रवाल के ऊपर आरोप है, विनोद अग्रवाल ने एक आदिवासी महिला को पीटा था और शिकायत सिर्फ अजय यादव की वजह से दर्ज हुई थी, तो कहीं ना कहीं आपसी रंजिश के चलते भी कहा जा सकता है, या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं दुश्मनी निभाने की वजह से अजय यादव को गिरफ्तार करवाया गया है, क्योंकि कहीं से भी कोई सबूत नहीं दिखाई दे रहे। कितना सही होता है एक व्यक्ति को उस तरह से फंसा देना, जब वो किसी मुद्दे को लेकर, जनता के मुद्दे को लेकर लड़ रहा हो, प्रशासन से लड़ाई कर रहा हो, लोगों से लड़ाई कर रहा हो, सिर्फ इसलिए कि वहां की जनता परेशान है, गिट्टी क्रशर को लेकर वहां पर विस्फोट किया जाता है, जिससे वहां के लोग परेशान है, जब जनता की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है और उसके बाद जब वो गिरफ्तार हो जाता है ब्राउन शुगर की स्मगलिंग के आरोप में, यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वहां के लोग कह रहे हैं कि अजय यादव ऐसा नहीं है। सच क्या है, झूठ क्या है, इसको लेकर यादव समाज जरूर इकट्ठा हो गया है, और यादव समाज का कहना है कि अजय यादव को रिहा किया जाए, लेकिन कार्रवाई अभी चल रही है। देखना यह होगा कि अजय यादव सच्चा है या फिर विनोद अग्रवाल, जो आदिवासी महिला के साथ मारपीट कर चुका है और उसकी FIR भी करवाई जा चुकी है, जो कि अजय यादव ने करवाई थी। इसी के साथ हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ, नमस्कार।